हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज मैं एक ऐसे हेल्दी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, अगर आप में के घर में कुछ भी ना हो तो ये चीज़ तो आपके घर में हमेशा रहती है। केवल एक ही चीज़ से ये नाश्ता बहुत ही जल्दी कम समय में बिना घी तेल से बनाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में हम ले रहे हैं यहाँ 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैं कोई मटरी नहीं बना रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ मैं इसमें बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं दही। इस रेसिपी में दही और सोडा यूज नहीं होता है, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें कुकिंग ऑयल, जिससे आटा हमारा लगाते समय चिपके नहीं। अब इन सारी चीज़ों को हमें पहले मिक्स करना है और एक डो लगाना है, जैसे हम पराठे या रोटी का डो लगाते हैं ना, बस वैसा ही डो लगाना है। हल्का सा उसको रखना है टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, हल्का सा रखना है। अब धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी लगा है लिया है, लेकिन 1 कप पानी का भी यूज़ होगा नहीं। डो को लगा लेते हैं। डो हमें कुछ इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा मसल मसल के। ये देखिए बहुत कम पानी में ये डो लग जाता है क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। देखिए मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया, 1/2 कप से भी कम पानी इसमें लगा है, बाकी का पानी बच गया है। अब देखिए डो हमारा एकदम से लग गया है, एकदम चिकना, ये देखिए। अब इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और डाल देंगे और इसको इस तरीके से ऊपर से पूरी में इसको कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालना है जिससे ये हाथों पे चिपके नहीं, और 10 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे। 10 मिनट इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। हमने इसमें दही और बेकिंग सोडा डाला था, इसलिए आटे को रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको आटे को मसलते हुए, ये देखिए कितना चिकना हो गया और हाथों पे भी नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी, एकदम बढ़िया आटा हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं और इसकी छोटी छोटी हम लोई तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो चाकू से भी तोड़ सकते हैं। पहले इस तरीके से हम इसको लंबा करेंगे। लंबे करने से लोइयाँ आसानी से छोटी छोटी टूट जाती हैं। ये देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ इसकी तोड़नी है। सारे आटे की इसी तरह हम सारी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। लोइयाँ टूटने के बाद इस तरह से एक लोई लेंगे और इसका एक डुम्बू बनाएंगे। इस तरीके से हमें एक शेप देनी है। जितना छोटा बनाएंगे उतना ही ये बढ़िया बनेगा, क्योंकि ये बाद में और बड़ा हो जाता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं डुम्बू। इस तरीके से हम बना बना कर रख लेते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है। ये देखिए कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए देखिए मैंने इस तरह से सारे डुम्बू बनाकर तैयार कर लिए। आप इनका साइज जितना छोटा रखेंगे ये उतने ही बढ़िया और अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये सारे हमारे बनकर तैयार हो गए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने बर्तन में पानी रख लिया था। पानी पर आप देख सकते हैं उबाल आ रहा है, ऐसे ही उबाल आना चाहिए। अब हमने जो डुम्बू बना के रखे हैं वो इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। एक साथ सारे नहीं डालिए, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ऐसे ही आपको डालने हैं, और जब तक इस पर पानी पर उबाल आता रहना चाहिए। आप देख सकते हैं पानी पर उबाल आ रहा है, और पानी पर उबाल आता रहेगा तो ये डुम्बू हमारे ऊपर आते जाएंगे। आप देख सकते हैं, बस ध्यान रखिए पानी पर उबाल आना बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है पानी पर उबाल आना बंद हो गया है तो वहीं पर आप
रुक जाइए। ये देखिए पानी पर उबाल आ रहा है, और एक साथ अगर आपका पैन बड़ा है तो एक साथ सारे डाल दीजिए, नहीं तो आप रुक जाइए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं। मैंने लिड इसलिए रखी है कि सामने से दिखता रहे, नहीं तो उबाल आते हुए इसमें से पानी निकलने लगता है। जैसे ही आपको लगे पानी निकलने वाला है तो आप लिड को हटा दीजिए। देखिए 10 मिनट इस तरह से अच्छे से पकने के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं ये डुम्बू हमारे बीच में से फट गए हैं, यानी कि ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने बोल में लिया है आइस वाटर, जैसे हम पास्ता ठंडा करते हैं ना, बस उसी तरह हमें ये डुम्बू भी इसमें पानी में डाल देने हैं। जब एकदम से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसमें इसको भी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ लिए दो हरी मिर्च, दो मीडियम साइज के टमाटर और दो बीन्स। आप जो भी इसमें सब्जी डालना चाहे वो इसमें आप डाल सकती हैं। मैं यहाँ केवल हरी मिर्च और टमाटर का ही यूज करूँगी, बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम, ऑनियन, गार्लिक और भी हरी मिर्च सब्जियाँ आप इसमें डाल सकती हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। सब्जियाँ हमारी चॉप हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पैन में दिया है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, इससे ज़्यादा ऑयल हम नहीं देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पहले 1 टीस्पून के करीब राई। राई को हम पहले चटकने देंगे, क्योंकि राई जब तक चटकती नहीं है उसका टेस्ट नहीं आता है। राई के चटकने आने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 पिंच हींग, क्योंकि हम लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रहे तो हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप की हुई बीन्स हम इसमें पहले डाल रहे हैं, जिससे बीन्स हमारी अच्छे से पक जाए। 1 पिंच हम डालेंगे इसमें हल्दी, इससे हम केवल हम कलर के लिए हल्दी डाल रहे हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डाले हैं धनिया पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक हमारे डुम्बू के अंदर भी पड़ा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे ये डुम्बू। अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया या फिर करी पत्ते, आप दोनों में दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं, या धनिया या आप करी पत्ते दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इनको इस बाउल में सर्व कर देते हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो गेस्ट तो पक्का है हमारे घर आना। अब उन गेस्टों के लिए कम समय में क्या रेसिपी बनाएं, उसके लिए ये डुम्बू की रेसिपी बहुत ही सुपर्ब है। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ ये हेल्दी नाश्ता केवल 1 कप गेहूं के आटे से। ये हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्ट भी बहुत है। कम घी तेल में इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इस बार आप इस फेस्टिव सीजन में इस नाश्ते को आप बहुत ही कम समय में बनकर आप इसको बना सकती हैं। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।